नमस्कार। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रह के मकर राशि में प्रवेश करने की वजह से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति का एक अन्य नाम खिचड़ी भी है। केवल खिचड़ी ही नहीं, मकर संक्रांति को पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस पर्व से जुड़ी कई कथाएं भी हैं। वही लगभग हर राज्य में मकर संक्रांति को मनाने के अलग अलग तरीके भी हैं। कई राज्यों में मकर संक्रांति को मनाने के अनोखे रीति रिवाज भी हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं और परंपराएं हैं। अलग नाम होने के कारण अक्सर लोग सोचते हैं कि त्योहार भी अलग अलग होगा, पर मकर संक्रांति की तिथि के दिन पड़ने वाले ये अन्य त्योहार जो राज्यों के मुताबिक मनाए जाते हैं वो दरअसल एक ही हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ राज्यों में मनाए जाने वाले इस मकर संक्रांति के अलग अलग तौर तरीके और अलग अलग नाम। सबसे पहले अगर हम साउथ दक्षिण में बात चलें तो दक्षिण में तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल कहते हैं। ये त्यौहार यहाँ पर 4 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें भोंगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल शामिल हैं। इस मौके पर चावल के पकवान बनते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। वहीं अगले राज्य केरल में चलें तो केरल में मकर संक्रांति को मकर विल्लुकू कहते हैं। इस दिन प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के पास लोग मकर ज्योति को आसमान में देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। अगला राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक में मकर संक्रांति को एलु विरुधु नामक नाम से जाना जाता है। इस दिन यहाँ पर कई कार्यक्रम होते हैं और परिवारों की महिलाएं एकत्र होती हैं, शामिल होती हैं इन सब कार्यक्रमों में। वे एक दूसरे से मिलती हैं और यहाँ का एक प्रसिद्ध व्यंजन एलु वेला, जिसका वो आपस में आदान प्रदान करती हैं। वही अगले राज्य हम आंध्र प्रदेश में चलें तो आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को मकर संक्रांति ही कहते हैं। ये त्यौहार यहाँ पर 3 दिन तक मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस त्यौहार पर लोग आंध्र प्रदेश में लोग पुरानी चीज़ें और बेकार की चीज़ें फेंककर नई चीज़ें अपने घर में लेकर आते हैं। अगले राज्य में चलें गुजरात। गुजरात की मकर संक्रांति पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस दिन को बड़ा पर्व माना जाता है और इसे उत्तरायण भी कहते हैं। गुजरात में 2 दिन होने वाले मकर संक्रांति के पर्व में पतंग उत्सव बहुत ही धूमधाम से होता है। अगला राज्य पंजाब। पंजाब में मकर को माघी नाम से जाना जाता है। इस दिन तड़के नदी में सभी लोग स्नान करते हैं और तिल के तेल का दीपक जलाते हैं। श्री मुक्तेश्वर साहिब में माघी के दिन बड़ा मेला भी लगता है और लोहड़ी, और ये जो पर्व है पंजाब में लोहड़ी के अगले दिन मनाया जाता है। अगले राज्य में चलें जो कि है हमारा असम। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू या भोगली बिहू कहते हैं। इस दिन फसल उत्सव होता है, जिसे माघ में कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक माना जाता है। असम उत्सव में बांस, पत्तियों और छप्पर से मेजी नामक झोंपड़ियां बनाई जाती हैं। इसमें दावत का आयोजन होता है और बाद में उन झोंपड़ियों को जला दिया जाता है। तो कुछ ये थे राज्य जहां मकर संक्रांति को अलग अलग तौर तरीके और रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। आशा है कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अंत में आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ।